बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने नारायण फॉरेस्ट रेस्ट हाउस के ताएं किनारे से डन्ना मेडोज के लिए आगाज़ रास्ते का कर लिए है। अभी देखते हैं आगे आगे कि क्या क्या मंजर हमें दिखाई देते हैं। ये तकरीबन हम 100 फुट ऊपर आ गए हैं, जंगल में रास्ते का आगाज़ हुआ है। ये देखें घना जंगल, बिल्कुल कहीं से भी सूरज की रोशनी दिखाई नहीं दे रही। ये तकरीबन 1:15 बजे का टाइम है, तो इस वक्त देखें किसी जगह पे भी सूरज की कोई किरण नज़र नहीं आ रही। आगे देखते जाएं, आगे आगे आपको मंजर दिखाते हैं हम। ये एक बड़ा अनोखा ट्रैक है, प्रॉपर ट्रैक है डन्ना मेडोज के लिए। नारायण से तकरीबन 200 फुट ऊपर खड़े हैं हम। ये क्रिक होटल सामने नज़र आ रही है, उसकी शीट्स वगैरह टॉप छत की। तो देखते जाएं आगे, मंजर देखते जाते हैं, मंजर कशी कर रहे हैं हम। देखें इंशाल्लाह कामयाब होंगे, हम टॉप तक जाएंगे और सारे जंगल का की सैर आपको करवाएंगे नाजरीना। ये हम डन्ना मेडोज के आधे रास्ते तक पहुंच आए हैं, आधा रास्ता हमने तय कर लिया है। तो सोचा कि इधर आकर नाजरीन को एक बेहतरीन जगह का नज़ारा करवाते हैं। ये नारायण गार रोड और केडीए मेन ऑफिस को ज़रा आप देखें वाज तौर पर कि बिल्कुल ये देखें इसको ज़रा, और ये झील से फ्रमलूक का जो रिवर है इसका ये ज़िगज़ैग अंदाज़ा करें आपके कैसा नज़ारा है। ये सामने शाबेक का पहाड़, उसके दामन में लोगों के घर, और ये इस तरह की अनोखी चीज़ें आप ज़रा देखें, और जो बिल्डिंगें बनी हुई हैं उनका टॉप से नज़ारा करें आपके कितना ज़बरदस्त। और पीछे सुपट वैली के जो पहाड़ हैं ये भी आप ज़रा देखें, ये भी नज़र आ रहे हैं, इनका नज़ारा भी यहाँ से तकरीबन बेहतर अंदाज में हो रहा है। तो देखते जाइए ना, अब हम तकरीबन डन्ना मेडोज के बिल्कुल करीब हैं। ये देखें थोड़ा सा जंगल में थोड़ी सी रोशनी और ये हल्की किरण सूरज की नज़र आ रही है, इसको ज़रा आप देखें। अब ये तकरीबन खूबसूरत जगह है, ये भी यहाँ नीचे से चलने के बाद यहाँ पे बंदा स्टे भी इसी जगह पे करता है। बहुत मुश्किल ट्रैक है। नहीं यार, ये सबसे खूबसूरत और सबसे अच्छा ट्रैक है। मुस्तकबिल में मैं कहता हूँ कि सारे नाजरीन जो है वो इस पे बात करें आला हुकाम से, ताकि ये पैदल ट्रैक बन जाए, कि लोगों की एक्टिविटी भी हो जाएगी और सारे नारायण को अच्छी तरह से वो देख सकेंगे। तो बड़ा खूबसूरत एरिया है। मेरी तो हालत बुरी हो गई है नाजरीन, मैं तो अपना ये आपको बता रहा हूँ। देखते हैं आगे जाते हैं या आगे पहुँच भी सकते हैं कि नहीं, तो आए आपको आप आगे लेके चलते हैं। ये देखें नाजरीन, आखिरकार हम डन्ना मेडोज पे पहुँच आए। देखें ये कैमरामैन साहब दिखा रहे हैं आपको, ये डन्ना मेडोज की झोपड़ियाँ बनी हुई, हमारी इनको जबान में तो इनको डारा कहते हैं, लेकिन असल में जो उर्दू का लफ्ज़ है वो ये झोंपड़ियाँ हैं ना। पुराने ज़माने में लोगों की ज़्यादातर रिहाइश इनमें होती थी, अभी भी रहते हैं लोग। इनको करीब जाकर भी आपको दिखाएंगे, ये सारे के सारे लकड़ के बने हुए हैं। इनकी दीवारें जो हैं वो भी लकड़ की हैं, इनकी छत जो है वो भी लकड़ की है। तो ये बैक साइड पर सारा एरिया देखें आप, ये चारों तरफ, इसके उस तरफ जो है ये सफर मरूक वाली वादी आ रही है, जो नाला कट्ठा बन रहा है कहते हैं जिसको, नारायण से ये ट्रैक टोटल इसका डिस्टेंस बनता है 1 घंटे का आने का, और जाने में मेरे ख्याल में 1.5 घंटा 35 मिनट में बंदा नीचे नारायण में पहुंच जाता है। इसके पीछे ये जितना भी ऊपर नज़र आ रहा है, जाते जाते आखिर ये ट्रैक जाके झील सफर मरूक के टॉप पर ख़त्म हो जाता है। और ये डन्ना मेडोज है, ये इसका एंड पॉइंट है, और ये नीचे नारायण का पूरा नज़ारा है।